For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bolly Myth. टीवी की लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह इन दिनों द कपिल शर्मा के शो में दिखाई दे रही हैं। अर्चना टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। शो में अक्सर कपिल अर्चना का मजाक उड़ाते रहते हैं और अर्चना इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। शो में अक्सर कपिल अर्चना के पति परमीत का भी जिक्र करते हैं, तो आज हम आपको अर्चना की पर्सनल लाइफ और उनके पति के साथ उनके रिश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल अर्चना ने 28 साल पहले परमीत सेठी के साथ शादी की थी। द कपिल शर्मा के शो में नए एपिसोड में अर्चना को उनके पति परमीत सेठी के साथ दिखाया जा रहा है। इस दौरान परमीत अपनी शादी से जुड़ी कई बातें शेयर करते दिखाई दिए। परमीत ने बताया उन्होंने और अर्चना ने भागकर शादी की थी। मजाक करते हुए परमीत ने कहा, अर्चना ने मुझ पर दबाव बनाया था कि मैं उनसे शादी करूं। अर्चना ने मुझे और कोई विकल्प मेरे सामने नहीं छोड़ा था। परमीत की बात पर अर्चना ने तुरंत उन्हें टोकते हुए कहा, वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे प्रपोज किया था और हमने भाग कर शादी की थी। बाद में परमीत ने शादी की पूरी कहानी बताई। परमीत सेठी ने कहा, हमने रात में 11 बजे फैसला लिया कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है। हम रात में पंडित जी को ढूंढने निकल गए। रात के 12 बजे एक पंडित मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम भाग कर आए हैं, लड़की बालिग है या नहीं। मैंने उनसे कहा, लड़की मुझसे ज्यादा बालिग है। पंडित जी ने कहा कि शादी ऐसे नहीं होती है, मुहूर्त निकालना पड़ता है। हमने उन्हें उसी रात पैसे दिए और अगले दिन 11 बजे शादी कर ली। आपको बता दें, अर्चना पूरन सिंह ने परमीत के साथ दूसरी शादी की थी। अर्चना की पहली शादी सक्सेसफुल नहीं रही। अपने पहले रिश्ते से असफल होने के बाद अर्चना ने दोबारा शादी करने का इरादा ही छोड़ दिया था, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात परमीत सेठी से हुई। परमीत में उन्हें अपना सच्चा लाइफ पार्टनर दिखाई दिया। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए पार्टी में हुई थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो परमीत हर रोज अर्चना के लिए 3 गुलाब के फूल लेकर जाते थे और अपने प्यार का इजहार करते थे। दोनों शादी के पहले 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। परमीत ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो अर्चना से एक तरफा प्यार करते थे। उन्हें अर्चना की खूबसूरती, नेचर और रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी जैसे गुणों ने बेहद प्रभावित किया। धीरे धीरे अर्चना भी उन्हें पसंद करने लगी। वो भी हर कपल की तरह लड़ते झगड़ते रहे और बाद में एक हो जाते हैं। वहीं परमीत के परिवार वालों को अर्चना पसंद नहीं, लेकिन परमीत उनके साथ हमेशा खड़े रहे। धीरे धीरे दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया और इंडस्ट्री के लोगों में भी सुनने को मिली। आखिरकार 1992 में दोनों ने शादी कर ली। बाद में परमीत की फैमिली ने भी अर्चना को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो दोनों 2 बेटों आर्यमान और आयुष्मान के पेरेंट्स हैं। आपको बता दें, अर्चना पूरन सिंह 18 साल की उम्र में मुंबई ढेर सारे सपने संजो कर आई थीं, लेकिन उन्हें कामयाब होने के लिए 8 साल का कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अर्चना ने करियर की शुरुआत में कई एड फिल्में की, लेकिन उन्हें सफलता मिली प्रोड्यूसर जलाल आगा के बैंड एड के विज्ञापन से। इस एड के बाद उनके टैलेंट को नोटिस किया गया और उन्हें टीवी शो में रोल मिल गया। अर्चना ने रात के गुनाह जैसी बी ग्रेड फिल्में भी की हैं। अर्चना नसीरुद्दीन शाह के ऑपोजिट फिल्म जलवा में लीड रोल में नजर आई। फिल्म सुपरहिट रही और अर्चना रातों रात एक्ट्रेस बन गई। हालांकि बतौर एक्ट्रेस उन्हें पहचान नहीं मिल पाई। उन्होंने बड़े बैनर्स की अग्निपथ, सौदागर, शोला और शबनम, आशिक आवारा और राजा हिंदुस्तानी जैसी कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। अर्चना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। लॉकडाउन के वक्त उन्होंने कई वीडियो से लोगों को एंटरटेन किया। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bolly Myth.